हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा ये पर है, अभी भी खिल रहा है। डॉल्फिनियम भी कहते हैं, तो ये विंटर फ्लावरिंग प्लांट है। ये कुछ अभी भी खिल रहे हैं और काफ़ी हार्डी प्लांट होते हैं। ये बर्बीना है, ये भी खिल रही है। साउथ की वॉल के साइड में रखा हुआ है, तो यहाँ थोड़ी सी ठंडक रहती है, बहुत तेज़ धूप नहीं रहती, मगर हाँ गर्मी तो है भाई। ऐसा नहीं है कि यहाँ बिल्कुल शेडी प्लेस है। और बहुत सारे मेरे ऐसे प्लांट हैं जो बहुत हार्डी है। विंटर फ्लावरिंग प्लांट है, अभी भी फ्लावरिंग कर रहे हैं। हेल्दी प्लांट तो नहीं कह सकती क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है, ड्राई तो हो रहे हैं, कुछ सीड पॉड भी बन रहे हैं इसमें, तो बहुत गर्मी हो रही है। और ये फ्लावरिंग प्लांट फ्लावर दे रहे हैं, तो बड़ा सुकून मिल रहा है छत पे। चलो कुछ तो है जो फूल दे रहे हैं, और इसमें ये कुछ सीड भी तैयार हो रहे हैं। देखिए ये जो ड्राई ड्राई हो रहा है, ये सारे सीड है, तो इसमें सीड भी काफ़ी बन रहे हैं। और कलर थोड़ा फेड हो गया क्योंकि इतनी तेज़ धूप में इंसानों का कलर फेड हो रहा है, तो ये किस चीज़ की खेत की मूली है। और ये देखिए ये हॉलीहॉक है, ये भी खिल रहा है। और दिखाती हूँ आपको हॉलीहॉक, देखिए ये है, ये भी खिल रहे हैं। ये दो वैरायटी की है तो मैजेंटा ही, मगर ये कट है, कट फ्लावर वाले हैं। इसमें बहुत अच्छी बाउंड्री बनी हुई है फ्लावर्स पे, तो ये खिल रहे हैं। और इधर और भी दिखाऊंगी, ये वाले पिंक वाले भी खिल रहे हैं। ये देखिए थोड़े डार्क पिंक जिसे कहते हैं, वो ये खिल रहे हैं, ये भी खिल रहे हैं। तो ये हॉलीहॉक भी मेरे यहाँ खिल रहे हैं और बहुत सुंदर लग रहे हैं फूल। हॉलीहॉक तो वैसे भी लेट विंटर में खिलता रहता है, मगर इस बार इस टाइम पे भी खिल रहा है, इतनी गर्मी है, तो ये तो आश्चर्य की बात है। और इनके सीड भी बनने लगे हैं, सीड भी बन रहे हैं। छोटा सा प्लांट है, नीचे से जैसे और भी शक्कर टाइप की निकलती है, तो उसमें से ये निकले हैं। और इस तरह से काफ़ी फूल खिल रहे हैं मेरे, हाँ विंटर वाले भी। और इधर भी है देखिए, ये मतलब ऐसा है कि इतनी गर्मी में भी ये फूल खिल रहा है। ये तो चलो गर्मी का ही प्लांट है, क्रैनबेरी हिबिस्कस जैसे कहते हैं वो है। ये पिटूनिया है, ये भी समर फ्लावरिंग प्लांट है, मगर इतने टेम्परेचर में नहीं चलते हुए। देखिए ये भी फूल खिला है, डेमोपोटिका के ये भी खिल रहे हैं क्योंकि इसकी अराउंड ह्यूमिडिटी बनी हुई है। ये देखिए इतने ढेर सारे प्लांट लगे हुए हैं, जिसकी वजह से इसे ज़्यादा तेज़ धूप नहीं लगती है, इसलिए फ्लावरिंग हो रही है। मगर हाँ जब बहुत तेज़ लू चलेगी तो हो सकता है गर्म हवाओं से ये ख़राब हो जाए। अभी तो फिलहाल अच्छे से, गर्मी तो अभी भी है, बहुत चल हो रही है गर्मी, अभी भी अच्छे से चल रहा है ना। और अभी ये देखिए नीचे से ये इस तरह के फ्लावर्स भी आ रहे हैं, शूट्स भी निकल रहे हैं। इसके एक और भी प्लांट है, कुछ और भी प्लांट है। ये देखिए एक तो ये है, सपोर्ट की ज़रूरत है, गिर रहा है, हवा से गिर जाता है, तो ये भी सही है। फूल तो नहीं आ रहे हैं क्योंकि यहाँ बाहर की तरफ लगाए तो इसकी पत्तियाँ सूख रही हैं। ये देखिए ढेर सारे पत्ते इसके सूखे सूखे हो रहे हैं। और भी दिखाती हूँ मैं आपको, एक ये है डेमोपोटिका, ये भी अभी चल रहा है, ग्रीन है, मगर पत्तियाँ तो सूख रही है थोड़ी बहुत। एक ये है, ये भी अच्छे से चल रहा है, डेमोपोटिका ही है ये। तो ये इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, पानी नहीं मिला था, मगर अब पानी मिलने लगा तो ये अच्छे से चलने लगी है। तो फ्लावरिंग तो नहीं हो रही, मगर हाँ हेल्दी प्लांट है, देखिए कितना अच्छा है और अच्छे से चल रहा है। बस गर्म हवाएं चलेंगी बहुत भयंकर वाली, तो अभी भी टेम्परेचर हमारे यहाँ 40-41 है, तो अच्छे से फिर भी चल रहे हैं, शुक्र है भगवान का, ये इतने अच्छे से चल पा रहे हैं। मैं इतनी केयर कर रही हूँ, ये क्रैनबेरी हिबिस्कस है, क्रीम कलर का जो होता है वो है। और एक यहाँ पे है ये डेमोपोटिका, ये भी चल रहा है, देखिए ये भी सही है, अभी हरा है, ग्रीन है, फूल नहीं आ रहे हैं पर हाँ ग्रीन तो है। तो कुछ विंटर फ्लावरिंग प्लांट है जो मेरे अभी भी चल रहे हैं और फूल भी दे रहे हैं। कोई कोई डहलिया में भी कभी कभी एक आध फूल आ ही जाता है। ये बिस्किस वगैरह है, इन्होंने तो फूल देना बंद कर दिया, इन्हें ज़्यादा गर्मी लग रही है, पर कुछ फूल हैं जो मेरे अभी भी चल रहे हैं, जो विंटर फ्लावरिंग प्लांट है। जरबेरा देखिए कितने अच्छे से फूल खिल रहे हैं, काफ़ी फूल आए हुए हैं, येलो भी खिल रहा है, पिंक भी खिल रहा है, रेड भी खिल रहा है, तो काफ़ी जरबेरा में भी काफ़ी फूल खिल रहे हैं। मेरे यहाँ दो चार खिल ही जाते हैं इतनी गर्मी में भी। और ये देखिए तो सदाबहार है, ये फूल का डॉट वाला वाइट, उसमें डॉट है, फूल का डॉट वाला है ये। और मेरे काफ़ी अच्छे से ये तो खैर गर्मियों के ही प्लांट है, मगर सदाबहार भी ज़्यादा गर्मी नहीं बर्दाश्त कर पाता है। और ये देखिए स्थल कमल है, मरून कलर का, से या पिंक कहो मैजेंटा कहो, इस कलर का है, काफ़ी कलियाँ आई हुई है खूब ढेर सारी। और
ये देखिए फिर कैक्टस, कैक्टस का तो खैर अभी टाइम ही है तो उसमें फ्लावरिंग हो रही है। तो फ्रेंड्स अगर मुझे अच्छी लगी तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा। नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। और ये देखिए व्हाइट कलर के कई एक प्लांट है मेरे पास में, बहुत सुंदर लग रहे हैं ये गुच्छों फूल रहे हैं। देखिए कितने ढेर सारे हैं, छोटू से कैक्टस में बहुत ढेर सारे फूल आ रहे हैं, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और एक ये है, ये भी देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो कैक्टस का तो अभी टाइम भी है। और ये क्लांचो है, क्लांचो में इक्का दुक्का फूल खिल जा रहे हैं और ये भी कैक्टस है, इसमें भी खूब फूल खिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक गार्डनिंग करते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।